नमस्कार दोस्तों, इंडिया ट्यूब में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो पशुपालन से संबंधित है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने अपने पशुओं के लिए कम लागत में फोगिंग सिस्टम लगाया है। यह फोगिंग सिस्टम मैंने 8 पशुओं के लिए लगाया था। इसमें लगभग 800 रुपये का खर्चा आया था। हम अगर एक पशु के हिसाब से इसका खर्चा देखें तो लगभग 100 रुपये ही इसका खर्चा आता है फोगिंग सिस्टम को लगाने का। अगर आप अपने पशुओं के ऊपर इसको लगाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप भी इसको लगा सकते हैं। इससे संबंधित जो भी सामान है, कुछ सामान तो आपको साधारण सैनिटरी की दुकान से मिलेगा, जो पाइप वगैरह हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पाइप हैं ये आपको एग्रीकल्चर टाइप की पाइप लेनी है, ये हल्की होती हैं और बहुत सस्ती होती हैं। और इससे संबंधित जो फोगिंग सिस्टम है, जो फवारे बोल सकते हैं आप उनको, वो आपको जो हैचरी के इक्विपमेंट रखते हैं ये सामान आपको वहाँ पर मिलेगा। जो हैचरी वगैरह का सामान रखते हैं ना, ये फोगिंग लेने के लिए फोगर सिस्टम है, ये आपको लेने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको ये परचेज करने पड़ेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके इसको कैसे लगाना है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको लगाना है। मार्केट में कई तरह के फोगर मिलते हैं, हम ये फोगर लेके आए थे। ये मात्र 20 रुपये इसकी कीमत है। आपको ये इस टी पॉइंट में लगा के इसको ऐसे जोड़ना होगा और साइडों में इसके यहाँ पर और यहाँ पर पाइप ज्वाइंट हो जाएगी और ये ऐसे लग जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मेन लाइन से इसके लिए सप्लाई ली है। ये आधा इंची की पाइपलाइन होगी पूरी और यहाँ पे मैंने इसको प्रेशर देने के लिए पंप लगाया है। ये देखिए, आपको पंप को ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने पशुओं से बचाने के लिए लगाया है। आप इसको ज़मीन पर नीचे भी रख सकते हैं। इसके आगे आपको दोनों साइड, आगे और पीछे दोनों साइड एक यूनियन लगानी होगी ताकि आप पंप को कभी भी उतार सकते, कभी अगर ख़राब हो जाए तो। ये आप देख सकते हैं लाइन कैसे गई हुई है इनके ऊपर, ये ऐसे लगे हुए हैं। इसमें एक और बात देखने वाली होगी, जो पशु के आगे जो मुंह वाला हिस्सा है पशु का, उस वाला फोगर आपको नीचे झुका के लगाना होगा, बिल्कुल नीचे ज़मीन की तरफ। और जो पीछे वाला हिस्सा है, जो पशु के पीछे वाले हिस्से का फोगर है, उसको आपके पशु की तरफ आपको मुंह करना है, सीधा मुंह रखना है उसका, जिस साइड में आपका पशु बैठता है या मतलब खड़ा होता है, वहाँ पर आपको इसका मुँह रखना है फोगर का। ये देखिए कैसे हमने इसको सारे को लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बस सीधा फिट करना है और जहाँ पर ये फोगर आप लगाएंगे, एक पॉइंट लगेगा, वहीं से आपको इसको एक तार के साथ बांध देना है, जैसे भी आपसे व्यवस्था बने। ये देखिए, आप देख सकते हैं जहाँ पर आपके पंखे लगे हुए हैं उनसे थोड़ा सा हटा दीजिएगा इसको। जैसे ये देखिए, यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, ये हमने इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पानी नहीं फेंकते, ये फोग बना के फेंकते हैं, भाप सी होती है। चलिए मैं अब आपको इनको चला के दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करते हैं। ये देखिए, हमने अब फोगिंग सिस्टम को चला दिया है। ये कैमरे में फोग कम दिखाई देती है, देखिए आप देख रहे हैं, ये फोग जो है हवा यहाँ पर लग रही है हमारे यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको बताया था अगर आपका एरिया खुला है तो उसको आप कवर कर दें। हम भी इसको कवर करेंगे, हमारी भी जो फोग बन रही है वो कुछ हवा के साथ बाहर हो जा रही है। ये देखिए, सभी फोगर बड़े अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए,
ये देखिए, पशुओं के लिए ये बहुत ही सस्ता और बढ़िया तरीका है गर्मी से बचाने का। ये देखिए, बिल्कुल आराम से अपने पशु बैठ जाते हैं। फॉगिंग सिस्टम लगाने का एक और फ़ायदा है, गर्मी में आपका पशु जब तक आपका फॉगिंग सिस्टम चलेगा कभी भी हाँफेगा नहीं, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने ही नहीं देता फॉगर सिस्टम। अगर आप फॉगिंग सिस्टम लगा लेते हैं तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। जैसे अगर आपके पशुओं के बांधने का जो स्थान है जहां पर आप पशु रखते हैं वो अगर ज़्यादा हवादार है तो उसको आपको कुछ न कुछ हिस्से को उसको कवर करना होगा ताकि इनको गर्म हवा ज़्यादा ना लगे पशुओं को। दूसरी सावधानी आपको रखनी होगी, अगर आपके किसी पशु को घाव है तो आप फॉगिंग सिस्टम से उसको दूर रखें, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, घाव ज़्यादा बढ़ सकता है। गर्मी ख़त्म होने के बाद जब हम इनको चलाना बंद कर देते हैं और जब दूसरे सीजन में हम इनको पहली बार चलाते हैं तो पहली बार चलाने से पहले इनको साफ़ करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक आलपिन की ज़रूरत पड़ती है। मैं दिखाता हूँ आपको उसको कैसे साफ़ करेंगे। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस मेरा नंबर दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।